दक्षिण भारत का चक्रवाती तूफान मिचोंग आज यानी कि 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के बापटला से टकरा चुका है। अब आप इस तूफान की ताकत का अंदाजा ऐसे लगाइए कि तूफान के आने से पहले ही पूर्वी तट के 5 राज्य अलर्ट मोड पर आ गए थे। कहा जा रहा है कि जमीन के संपर्क में आते ही इसकी गति में कमी आएगी। फिलहाल ये तूफान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि अब तक इस तूफान से तमिलनाडु में करीब 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तूफान कितना भयावह है इससे ही समझिए कि बिन मौसम बरसात तो बहुत छोटी बात है। तूफान के कारण चेन्नई जैसी स्मार्ट सिटी दिसंबर के महीने में भयंकर बाढ़ झेल रही है। मिचोंग तूफान की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर पानी भर गया, जिसके बाद 10 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। वहीं सड़कों पर जलभराव की स्थिति आ गई है। अब कुत्तों की तरह मगरमच्छ सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से आए साइक्लोनिक स्टॉर्म मिचोंग के कारण न सिर्फ दक्षिण भारत बुरी तरह प्रभावित है, बल्कि देश के कई राज्यों में इसका असर देखा जा सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन राज्यों के लिए IMD ने ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किए हैं। अगर बात करें उत्तर और मध्य भारत की, तो यूपी, MP, छत्तीसगढ़ समेत आसपास के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। इतिहास गवाह है कि बंगाल की खाड़ी में आए हर चक्रवाती तूफान ने तटीय राज्य उड़ीसा में जमकर तबाही मचाई है, और इस बार भी मौसम विभाग ने उड़ीसा को हाई अलर्ट पर रखा है। ये तक कहा जा रहा है कि इस तूफान का बड़ा असर उड़ीसा पर पड़ सकता है। आज यहां पर 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक बादल बरसने के आसार हैं, यानी कि बहुत से बहुत ही ज्यादा बारिश होगी। उड़ीसा से सटे राज्य झारखंड पर भी इस तूफान का असर पड़ रहा है। यहां पर राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है। साथ ही रांची को येलो अलर्ट पर भी रखा गया है।